फादर कौन है बनाने वाले उसके बारे में हम जानेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों आपको पता है आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो वो किसने बनाया है? अगर सपोज करके फैमिली में कोई पर्सन है और उसने पूछ लिया, ये सपोज आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली में भाई बहन या कोई भी, उसने पूछ लिया वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो पूछे कि भैया इसको बनाया किसने, तो उसी तरह आप उसका आंसर नहीं दे पाते, उनके लिए आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ये आप भी सोच रहे होंगे सेलफोन आप यूज कर रहे हैं, पर आपको पता है सेलफोन किसने इन्वेंट किया, तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो भाइयों आप जान लीजिए उनका नाम, उनका नाम मार्टिन कूपर है। उन्होंने सेलफोन बनाया था, वो यूएसए के अमेरिका में रहने वाले मार्टिन कूपर ने सेलफोन बनाया था। उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1928 को, और उन्होंने जो फर्स्ट जो सेलफोन बनाया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1973 में उन्होंने सेलफोन बनाया था, और उसका एग्जैक्ट डेट है 3 अप्रैल 1973। उसके साथ में ही वो सेलफोन बनाने के बाद 1 ईयर बाद, मतलब कि आप सोचो कि 1 ईयर बाद लॉन्च करने नहीं, उसके ऊपर 10 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया गया, और फाइनली 1983 में फर्स्ट सेलफोन लॉन्च किया गया। तो भाई इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि ये जो सेलफोन की जो फादर है हम उनको इसीलिए बोलते हैं, मार्टिन कूपर को हम सेलफोन के फादर बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सेलफोन बना था उसका वेट कितना होगा आप क्या सोचते हो? अभी जो मिलता है 700 500 ग्राम 300 ग्राम 200 ग्राम उतना का नहीं, उसका एक्चुअल वेट था 1.1 केजी। यस 1.1 केजी। और जो इसका जो लंबा था ना वो 23 सेंटीमीटर लॉन्ग था यार। अभी ये छोटे छोटे आ जाते हैं यार, 5 ये 6 10 वगैरह ऐसा ही, 23 सेंटीमीटर लंबा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें जो बैटरी चलती है आज के कॉम्पैक्ट में, उसमें बैटरी चलती है सिर्फ 30 मिनट तक, मतलब कि वो 10 घंटे बैटरी को चार्ज करते थे, 10 घंटे बैटरी चार्ज होने के बाद सिर्फ 30 मिनट तक बैटरी चलती थी। क्या आपको ये सब पता था? अगर नहीं तो ऐसे ही कुछ चीजें जानने के लिए आप टेक्निकल जीबीआई चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, उससे आपको मिलेगी सबसे पहले।